तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत मेरा एक न्यू वीडियो में। तो आज इंडिपेंडेंस डे है इंडिया कंट्री में, तो सभी को बोलना चाहता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, तो इस स्पेशल दिन में बहुत ही स्पेशल स्पेशल गेम प्ले लेकर आए हैं। तो पहला मैच यहाँ पर एलडीए के साथ कनेक्ट हुआ है, तो नाजिम भाई के साथ भी इसका मैच कनेक्ट हुआ था और मेरा साथ भी कनेक्ट हुआ। तो मैं भी अब लोगों को दिखा दे रहा हूँ कैसे मैं इसको फिनिश किया हूँ भाई लोग इसके सामने। वो भी फेयर गेम प्ले आज है भाई लोग। कोई भी लूलू वगैरह, तो मैं बहुत दिनों से लूलू गेम प्ले अपलोड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये लूलू से खेलना मेरा अच्छा नहीं लगता है और मेरे पास 4 करोड़ कॉइन भी है, तो इसलिए जो है मेरा अभी लूलू पे खेलने का ज़रूरत नहीं है। मैं तो कॉइन बनाने के लिए सिर्फ लूलू पे खेलता हूँ। अभी जो है मैं ज़्यादा फेयर गेम प्ले पे फोकस कर रहा हूँ। और अभी देखिए मैं इसको कैसे फिनिश करता हूँ भाई लोग। इसको पहले मेरा धीरे से एकदम टॉप राइड में ले लूँगा। और भाई लोग बहुत ही अच्छा से गेम प्ले है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और बहुत ही अच्छा देखने में मिलेंगे। क्योंकि आज थोड़ा सा एडिटिंग में स्पेशल किया हूँ, क्योंकि आज स्पेशल दिन है तो सब कुछ स्पेशल करा किया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको गैप का मैं इसको धीरे से एकदम पॉट कर दूँगा टॉप लेफ्ट में, एकदम धीरे से कम पावर यूज़ करके, ठीक है। तो देखिए बोर्ड का अटैच होके जो है पक पॉट हो चुका है। तो चलते हैं सेकेंड गेम प्ले में। तो यहाँ पर ये गेम प्ले कुछ फ़नी होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तो सही ब्रेक है भाई लोग, ये ब्रेक तो अब लोग जानते ही होंगे। तो इसको ब्रेक पहले कर देता हूँ और टॉप लेफ्ट में एक पक पॉट हो जाता है। और इसके बाद भाई लोग जो है मेरे को एक पहले तो इसको पॉट कर दूंगा, ठीक है। पहले इसको धीरे पॉट कर दिया हूँ। अभी जो है क्या करूँगा, अभी यहाँ पर देखिए भाई लोग जो बॉटम राइट में एक ब्रश शॉट दिखा रहा था वो चल गया, ऊपर में एक लकी शॉट भी चल गया है, ठीक है। अभी देखिए फिर से यहाँ पर एक ब्रश शॉट है, तो पसंद आ जाएगा तो लाइक कर दीजिए। और इसके बाद जो है मैंने इसको काट खेलूँगा, ठीक है, एकदम ध्यान से काट खेलूँगा और रेड को फ्री कर लूँगा। तो यहाँ पर तो पक फंस जाता है हमारा, फ्री नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इनडायरेक्ट बॉटम राइट पे पॉट करूँगा। देखो कैसे रेड को इनडायरेक्टली बॉटम राइट पे पॉट करता हूँ कुछ इस तरीके से। भाई लोग पसंद आ जाएंगे तो रियली भाई लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइस इसके बाद देखिए मेरे साथ क्या होता है, मैं तो बुरी तरीके से एकदम फंस जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मेरे को एक ब्रश शॉट दिखा रहा था, तो मैं यहाँ पर ब्रश खेल के पोजिशन रिलीज करने का कोशिश किया था, लेकिन देखिए भाई लोग मेरे साथ क्या होता है। तो लो भाई लोग, और तो भाई लोग यहाँ पर देखिए ओपोनेंट क्या करता है। तो यहाँ पर भाई लोग ओपोनेंट ने भी फाउल कर दिया है और मैं थोड़ा सा गेम प्ले काट किया हूँ, ठीक, क्योंकि बहुत टाइम से गेम प्ले हुआ था ये 5 मिनट का, डिफेंसिव हम दोनों ने खेल रहे थे, ठीक है। और गाइस इसमें लास्ट पक ऐसे फंस जाता है ना भाई लोग, आप लोगों का क्या बताऊँ। और कैसे रिलीज़ करता हूँ दिमाग लगाकर वो आप लोगों को देखना है। तो पहले तो इसको खेलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, मैं इसको दूर से थोड़ा काट खेल लेता हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ है भाई लोग। तो भाई लोग इसको एक ही जगह हो सकता है जो कि टॉप राइट हो सकता है, और स्ट्राइकर घूम के जो हमारा पक फंसी हुई है वो रिलीज़ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे ये पॉट होंगे, प्लस वो पग भी रिलीज़ हो जाएंगे जो मेरा टॉप लेफ्ट में फंसे हुए थे, ठीक है। तो अब ये भी इसको भी इनडायरेक्टली पॉट कर दूंगा मेरा बॉटम राइट में। तो बहुत ही इनडायरेक्ट आज गेम प्ले हो रहा है भाई लोग, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पर देखिए भाई लोग ओपोनेंट यहाँ पर इसको पॉट कर दिया, अभी देखिए ओपोनेंट क्या करते हैं। अभी तो इसका कोई भी पक नहीं जा रहा है भाई लोग, तो लेकिन फिर भी इन्होंने एक ऐसे ही शॉट खेल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो है इन्होंने कैसे ही शॉट खेल दिया, इतनी खुशी मुझे आज तक। और भाई लोग बहुत ही खुशी हुआ मेरा, क्योंकि ये लूलू बॉक्स प्लेयर था, ठीक है, इसका विनिंग भी बहुत ही बढ़िया था कम लेवल में, और पहले ये बहुत अच्छा लूलू शॉट खेल रहा था। मैंने वीडियो को स्किप कर दिया हूँ पहले, क्योंकि डिफेंसिव हम दोनों ने खेल रहे थे, उसके बाद लूलू शॉट खेल रहे थे ये बंदा। तो कोई बात नहीं, अपन गेम को फिनिश करेंगे अब, उसको टान तो नहीं देने वाला हूँ। तो इसको थोड़ा सा जगह बनाकर काट खेल लेता हूँ और बीच में जो पाक है वो रिलीज़ कर लेता हूँ। तो गाइस अब मैं क्या करूँ, अब जो है काट शॉट खेलूँगा टॉप लेफ्ट में, और जो दो पक फंसी हुई है उन दोनों पकों को एकदम आराम से रिलीज़ कर लूँगा, ठीक है। तो अभी ऊपर में सबसे ऊपर में उसको मैं बाद में खेलूँगा, पहले इसको खेल लेता हूँ। और ऊपर में भाई लोग खेलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको अगर खेलूँगा तो वो रिलीज़ हो जाएंगे कुछ इसी तरह। आप लोगों को भी कुछ इसी तरह दिमाग लगाकर खेलना है, ठीक है। तो इसको टॉप राइट में ले लेता हूँ और उसके बाद इसको सिंपली जो है धीरे से फोर्स के साथ खेल देता हूँ, फाउल होने का चांस नहीं है। तो हमारा नेक्स्ट गेम प्ले पर आ चुका हूँ, और यहाँ पर देखिए ओपोनेंट ऐसे ही एक फालतू शॉट खेल दिया है। और ये गेम प्ले भी बहुत ही इनडायरेक्ट, मतलब थोड़ा इनडायरेक्ट खेला हूँ और बहुत ही अच्छा खेला हूँ, और कैसे फिनिश किया हूँ आप लोग देखते रहिए।
तो यहाँ पर देखिए पहले तो इसको मैं कनेक्शन ले लेता हूँ धीरे से। और गाइस इसके बाद देखिए कोई भी पक नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने जो है दिमाग लगाकर एक ब्रश शॉट सोचा था। और देखिए कैसे ब्रश शॉट टॉप राइट में जाएंगे, शॉट पसंद आ जाएंगे तो लाइक कर देना भाई लोग, ठीक है भाई लोग। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि एडिटिंग भी आप लोगों का अच्छा लग रहा है आज, ठीक है। आज स्पेशल दिन है तो सब कुछ स्पेशल हो रहा है, स्पेशल एडिटिंग, स्पेशल गेम प्ले, सब कुछ, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको कैसे फिनिश करता हूँ। रेड को इजीली मेरा टॉप राइट में पॉट कर देता हूँ और इसके बाद जो है इसको काट के लूँगा जगह बना के, और बीच का पक कुछ इस तरीके से रिलीज़ कर लूँगा। लेकिन मेरा राइट साइड में एक पक जाके एकदम चिपक गया है, लेकिन पहले तो यह सामने वाला दोनों पाक को जगह बना के टॉप राइट में खेल दूँगा धीरे से, और उसके बाद जो है लास्ट में जो पाक मेरा राइट साइड में फंसी हुई है उसको पावरफुली खेल दूंगा एकदम ध्यान से, जो वो पॉट हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो आप लोगों को पसंद आए होंगे, तो वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक कर दीजिए भाई लोग। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, तो मिलते अगले वीडियो पर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टेक केयर गाइस।